रहमान रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तो प्यारे बच्चों, हाउ टू बी हैप्पी, अल्लाह की दी हुई तीन नेमतों को लिखें और अल्लाह का शुक्र अदा करें। आज तीन लोगों का शुक्रिया अदा करें जिन्होंने आपके लिए कुछ किया हो। 15 मिनट के लिए वर्जिश करें, 15 मिनट के लिए कुरान तर्जुमे से पढ़ें और खुश रहें। आप मुस्कुराएंगे, आपको देखने वाले लोग मुस्कुराएंगे, वो भी अच्छा फील करेंगे, आपको भी अच्छा महसूस होगा। तो कीप स्माइलिंग। हैया अलल फलाह, कामयाबी की तरफ आओ। रोज़ हमें 5 वक्त अल्लाह के घर से बुलावा आता है। लामा इकबाल का एक शेर है, वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और तुम ख्वार हुए तारक कुरान होकर। तो प्यारे बच्चों, अपने ईमान को मजबूत करें। फेथ इज़ लाइक वाईफाई, जिसके इनविजिबल ना नज़र आने वाले सिग्नल्स होते हैं। हमारा ईमान ही हमारी ताकत है। और यह ईमान में इजाफा हम कैसे कर सकते हैं, जब हम अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक को मजबूत बनाएं। कुरान को पढ़ना शुरू करें, अल्लाह को जाने, अपने आप को जाने, जो समझ आती हो ज़बान, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों की पैरवी करें। एक सुन्नत को ज़िंदा करने का सवाब 100 शहीदों के बराबर मिलता है। तो वी आर डूइंग वावल्स। वावल्स में आज हम लॉन्ग वावल्स करेंगे। तो लॉन्ग वावल्स जो हैं वो हम पहले क्लास 2 में पढ़ चुके हैं, उनको रिकॉल कर लेते हैं। कॉल का मतलब होता है बुलाना, और रिकॉल अपने दिमाग में से पीछे याद की हुई चीज़ों को रिफ्रेश करें। लुक, देखो, से, कहो, और राइट, लिखो। तो तीनों काम आपने साथ साथ करने हैं। दिस इज ट्री, ट्री, दरख्त, इसमें डबल ई आता है। इसी तरह मून, म डबल ओ न, मून, चांद। इसी तरह ट्रेन, ट्रेन में अ एंड ई, टू वॉवल्स हैं। बोट में बोट, ब ओ एट, बोट। तो आज हम नई जो करेंगे वो डबल ई की साउंड्स को, लॉन्ग वॉवल्स को करेंगे। तो आप जो कुछ देख रहे हैं उसको बोले भी, से एंड राइट, लिखें भी। अभी, मैनी बीज, अभी सिंगल बी, शहद की मक्खी को बी कहते हैं। मैनी बीज, बहुत सारी शहद की मक्खियाँ। अ सीट एंड अ ट्री, इसी तरह एक बीज बोते हैं उससे एक दरख्त बनता है। अब यहाँ पे स्टॉप द वीडियो और राइट डाउन द वर्ड्स विद लॉन्ग वॉवल्स। तो बी, ट्री और सीट आर द वर्ड्स विच हैव लॉन्ग वॉवल्स। अब हम थोड़े से फैक्ट्स पढ़ लेते हैं कि जो हनी बी है वो 11,000 टाइम्स पर मिनट अपने परों को हिलाती है, और 2 मिलियन फ्लावर्स जो है ना उनको विजिट करती है टू कलेक्ट नेक्टर। और जो क्वीन बी है वो अंडे देती है, और 2-3 साल इसकी उम्र होती है। इससे पता चला आपको कि हनी बी कितना मसरूफ रहती है। और एक चम्मच शहद बनाने के लिए हनी बी को 1,000 फूलों का रस चूसना पड़ता है, और जो मलका मक्खी होती है, क्वीन मक्खी, वो 2500 एग्स इन अ डे देती है। तो हनी बीज जो होती हैं वो कम्युनिकेट करती हैं, एक दूसरे से बातचीत करती हैं बाय डांसिंग। इसी तरह ये एक सोशल एनिमल है जो कि पूरी ऑर्गेनाइज तरीके से रहती हैं। इसके अलावा ये फेरोमोन्स एक केमिकल रिलीज होता है जिससे इन्हें डेंजर का पता चल जाता है और ये इंसान पे हमलावर होती हैं। हनी बीज जो है ना वो मेल जो होते हैं उनका स्टिंग नहीं होता, सिर्फ फीमेल का होता है। और ड्रोन्स जो हैं हनी बी में 4 मंथ्स तक लिव करते हैं, और 2-3,000 एग्स पर डे एक हनी मलका क्वीन जो है वो देती है। और अभी हमने देखा कि जितने भी पोलिनेशन में तकरीबन 1/4 जो है ना पौधे वो पोलिनेशन के लिए हनी बी के डिपेंडेंट हैं। तो जो हनी है उससे हमें बहुत सारे फायदे हासिल होते हैं, हमारी एनर्जी बूस्ट होती है, और ख़ासतौर पे अगर आपको खांसी हो तो आप अदरक के जूस में से ला के पिए तो आपकी खांसी को बहुत फ़ायदा होता है। इसके अलावा स्किन के लिए अच्छी है, वेट कम होता है, हाजमे को अच्छा करती है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने कहा, और देखो तुम्हारे रब ने शहद की मक्खी पर यह बात वही कही कि वो पहाड़ों में और दरख्तों में बेलों पे अपने छत्ते बनाए और हर तरह के फलों का रस चूसे और अपनी रब की हमवार की हुई राहों पर चलती रहे। तो अल्लाह ताला ने एक मक्खी को भी हदायत दे के भेजा, और कैसे हो सकता है कि अल्लाह अपने इंसानों के लिए हदायत ना भेजता।
तो ये जो है ना, ये आप तस्वीर देखें और इनको इसका नाम बताएं। शाबाश, स्टॉप वीडियो हियर, राइट डाउन। तो ये क्या है? फीट, फीट। शाबाश, फीट। फीट कहते हैं पांव को। और ये क्या है? ये अभी हम पढ़ के भी आए हैं। शाबाश, ये है बी। बी कहते हैं शहद की मक्खी को। बी, इसको लिखे स्टॉप द वीडियो है। बी, बी। शाबाश, आपने बिल्कुल ठीक लिखा होगा। और ये क्या है? ये है शीप, शीप। इसको वीडियो रोकें, शीप के स्पेलिंग लिखें, फिर हम आगे जाके देखेंगे, चेक करेंगे कि आपने ठीक लिखा कि नहीं। शाबाश, ये है शीप। शीप कहते हैं भेड़ को। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप खुश रहेंगे, आप अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, अल्लाह की भेजी हुई हदायत को उस जबान में पढ़ें जो आपको समझ आती है।